Hello my YouTube fam and welcome back to your own channel. My name is Akhil Maheshwari. लेकर के आया हूँ आज वीडियो नंबर 65. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट. ये टॉपिक मिल जाएगा एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 158 पे. एंड बोल दो ना स्लोगन, स्टडी टुगेदर ग्रो टुगेदर. तो देखो हमने जान लिया इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या होता है. पिछले वीडियो में इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या होता है, जब ऑर्गेनाइजेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही जगह जो भी होती है उसका ट्रांसफर कर दे या प्रेजेंट एम्प्लॉय का प्रमोशन कर दे अबव द ऑर्डर और काम चला ले, दैट इज इंटरनल रिक्रूटमेंट. तो देखो हर चीज के कुछ फायदे होते हैं कुछ नुकसान होते हैं. तो इंटरनल रिक्रूटमेंट के फायदे और नुकसान हम जान लेते हैं. देखो इंटरनल रिक्रूटमेंट का फायदा, इट इज इकोनॉमिकल, बिल्कुल बहुत सस्ता पड़ता है. कहां आप एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करते तो आपको न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट देना पड़ता, इंटरनेट एडवर्टीजमेंट देना पड़ता, naukri.com linkedin.com पर एडवर्टीजमेंट देना पड़ता, कितना पैसा लगता है उसमें. यहां पे आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा, एडवर्टीजमेंट देने की जरूरत ही नहीं है. आप एक पर्सन को दूसरी डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दो या जो प्रेजेंट एम्प्लॉय है उसको प्रमोट कर दो. सो ये बहुत ऑर्गेनाइजेशन के लिए इकोनॉमिकल है, चीप पड़ जाता है. तो ये पॉइंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से था, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. देन इट मोटिवेट्स द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय. ऑफकोर्स ये जो पॉइंट है ये एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से है. अब मैंने एग्जाम्पल दिया था पिछले वीडियो में प्रमोशन का, कि वो बंदा क्लर्क था जब वो आया ऑर्गेनाइजेशन में, आज वो चीफ अकाउंटेंट बन चुका है और वो कल उससे भी आगे बड़ी पोजिशन पे जाने की कोशिश करेगा. तो ऑफकोर्स उसका मोरल बूस्टअप होता है या नहीं होता, आपका खुद का मोरल बूस्टअप होता है या नहीं होता. आज आप 11th में हो, अगले साल 12th में आ जाओगे, उसके बाद फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, लाइक दैट. एग्जाम्पल दे रहा हूं. सो ऑफकोर्स जब एक एम्प्लॉय अपनी पोजीशन से हायर पोजीशन पे जाता है तो उसका मोरल जो है मोटिवेट होता है. तो इंटरनल रिक्रूटमेंट का सबसे अच्छा एडवांटेज क्या हुआ, कि जो प्रेजेंट एम्प्लॉय है आपका वो और अच्छे से काम करेगा, मोटिवेट हो जाएगा जब उसे प्रमोशन मिलेगा. एंड ऑफकोर्स सैलरी भी तो बढ़ती है ना, तो मनी इज द मेजर मोटिवेशन. देन द एम्प्लॉयज आर ऑलरेडी फेमिलियर विथ रूल्स एंड रेगुलेशन, सो लेस टर्न ओवर ऑफ एम्प्लॉयज. एम्प्लॉयज क्या होते हैं, अब देखो आप नए बंदे को हायर करते तो आपको उसके ट्रेनिंग में भी पैसा खर्च करना पड़ता, अगेन बहुत कॉस्टली हो जाता, इसलिए इंटरनल रिक्रूटमेंट इकोनॉमिकल भी है. एंड देन उसको थोड़ा टाइम लगता ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरमेंट में ढलने में, उसे रूल्स एंड रेगुलेशन पता नहीं होते, उसे समय लगता सब कुछ जानने में. अब आपने क्या किया, उसी बंदे को आपने ट्रांसफर कर दिया, प्रमोशन दे दिया जो आपका ऑलरेडी काम कर रहा है, तो उसे ऑलरेडी रूल्स एंड रेगुलेशन पता है, उसे पता है ऑर्गेनाइजेशन में क्या है क्या नहीं है, वो फेमिलियर है सारी चीजों से. सो क्या होगा, एम्प्लॉयज का टर्नओवर कम हो जाता है. एंड अगेन अगर एम्प्लॉय को प्रमोशन मिलता है तो ऑब्वियसली वो क्यों जॉब छोड़ के जाएगा. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, आपका एक बिजनेस टीचर है स्कूल में, अब वो कल से आपको अकाउंटेंसी भी पढ़ाएगा बिकॉज अकाउंट्स वाले टीचर अवेलेबल नहीं है, तो उसको कोई प्रॉब्लम होगी क्या आप लोगों के साथ क्लास में आने में? नहीं होगी, बिकॉज ही इज ऑलरेडी फेमिलियर विथ यू ऑल, यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विथ हिम. ठीक है, अब यही नया टीचर आता तो आपको भी एडजस्टमेंट करने में टाइम लगता, उसको भी एडजस्टमेंट करने में टाइम लगता. ठीक है, देन देखो इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय. येस ऑफकोर्स, अगर एक क्लर्क अकाउंटेंट बन गया है तो वो ऑब्वियसली मोटिवेट हुआ है. जब बंदा मोटिवेट होता है तो वो और ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करता है. सो इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या करता है, आपके प्रेजेंट एम्प्लॉय के मोरल को बूस्टअप करके उसकी परफॉर्मेंस को भी एनहांस कर देता है. देन देखो जॉब रोटेशन एंड ट्रेनिंग. आप अगर एक इंटरनल रिक्रूटमेंट में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है. ठीक है, आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हो एम्प्लॉय का, उसके डिपार्टमेंट बदल रहे हो, तो उससे सीखने को कितना मिल रहा है. जैसे मैंने आपको बताया ट्रांसफर के समय, मान लो एक बंदा है क्लर्क है, वो कल तक अकाउंट्स डिपार्टमेंट में था, आज वो परचेज डिपार्टमेंट में आ गया, तो उससे उसके जॉब रोटेशन से क्या हुआ, उसने अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भी सीख लिया कैसे काम करना है, परचेज डिपार्टमेंट के बारे में भी सीख लिया. सो ये एम्प्लॉय के लिए अगेन बेनिफिशियल हो जाता है. देन देखो ओवर स्टाफिंग प्रॉब्लम सॉल्व. ऑफकोर्स मैंने बताया आपको, सपोज करो दिल्ली में स्विगी के एम्प्लॉयज हैं, सपोज करो डिलीवरी बॉय है 10,000, और एक बहुत छोटा सा शहर है, कोई सा भी शहर ले लो. ठीक है, मान लो औरंगाबाद. ठीक है, औरंगाबाद मतलब छोटा नहीं है, दिल्ली से इतना डेवलप नहीं है, वहां पे भी 10,000 है. अब औरंगाबाद में ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी डिलीवरी बॉयज की या दिल्ली में? ऑब्वियसली दिल्ली में होगी. औरंगाबाद में मान लो 1,000 डिलीवरी बॉयज होते तो भी काम चल जाता, यानी एक्स्ट्रा कितने हैं 9,000. तो आपने क्या किया, इन सबको दिल्ली शिफ्ट कर दिया, इनका ट्रांसफर दिल्ली कर दिया. ठीक है, तो क्या एक चीज बताओ, ओवर स्टाफिंग प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई? अब अगर आप ट्रांसफर नहीं करते, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट पे जाते, तो आपको नए लोगों को और सैलरी देनी पड़ती, और ये जो 9,000 को आप एक्स्ट्रा सैलरी दे रहे हो ये भी देनी पड़ती.
तो ये एक बेस्ट एग्जांपल हुआ ओवर स्टाफिंग की प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर देता है। जहां लोग ज्यादा हैं और जहां लोग कम है वहां इक्विवेलेंट बैलेंस हो जाता है। आया आपको समझ में? तो ये सारे थे इंटरनल रिक्रूटमेंट के एडवांटेजेस। आई होप मैं बहुत इजीली आपको पढ़ा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा होगा। देन नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेजेस की, अगर हम बात करें इंटरनल रिक्रूटमेंट की, तो पहला है लैक ऑफ फ्रेश टैलेंट। यस, आपका प्रेजेंट एम्प्लॉय एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, प्रेजेंट एम्प्लॉय का ही प्रमोशन हो रहा है, तो कोई फ्रेश टैलेंट नहीं आ रहा है ना, कोई नया बंदा, कोई न्यू ब्लड के जिसे कहते हैं ना, वो नहीं आ रहा, यंग ब्लड, यंग जनरेशन वो नहीं आएगी। अगर आप इंटरनल रिक्रूटमेंट करोगे तो वही बंदे चलते रहेंगे, ठीक है? तो ये एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि फ्रेश टैलेंट भी होना जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलवेज बैलेंस्ड व्हेन इट हैज बोथ द टाइप ऑफ एम्प्लॉयज, एक्सपीरियंस एंड फ्रेश एम्प्लॉयज। आया समझ में? देन सेकेंड, चॉइस बहुत लिमिटेड है यार, क्योंकि हो सकता है कि आपके एक डिपार्टमेंट में दो तीन बंदे ज्यादा हो, आप ट्रांसफर करके काम चला लो, लेकिन अगर वेकेंट जॉब पोजीशंस 5-6 हैं तो फिर क्या करोगे आप? तो यहां पे लिमिटेड चॉइस मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, परचेस डिपार्टमेंट में मान लो 4 क्लर्क काम कर रहे थे, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 1 क्लर्क था वो चला गया, तो आपने क्या किया, 2 क्लर्क यहां भेज दिए, 2 क्लर्क यहां रह गए, तो बैलेंस हो गया। अब मान लो एक और डिपार्टमेंट है फाइनेंस डिपार्टमेंट, वहां भी क्लर्क की जरूरत है, और इन दोनों डिपार्टमेंट में 2 क्लर्क होने ही होने चाहिए हमेशा एट एनी टाइम, तो फिर क्या करोगे, फिर कहां से लाओगे बंदा? फिर तो आपको नई हायरिंग करनी ही पड़ेगी ना। सो लिमिटेड चॉइस रह जाती है ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर वो इंटरनल रिक्रूटमेंट करते हैं तो। देन देखो, नॉट सुटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल जो नई ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए ये सुटेबल नहीं है। क्यों सुटेबल नहीं है? बिकॉज नई ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना एक्सपीरियंस स्टाफ नहीं है कि वो प्रमोट कर सके, और ट्रांसफर करते समय हो सकता है कि एम्प्लॉय जॉब छोड़ दे, एम्प्लॉय का टर्नओवर हो जाए, ठीक है? जैसे सपोज करो, मान लो आपके पापा कल एक प्राइवेट फॉर्म में काम करते हैं, कल वो जयपुर में थे, आज वो चेन्नई उनका शिफ्ट हो रहा है, तो हो सकता है वो नहीं करे, वो मना कर दे, क्योंकि फॉर्म नहीं है, इतनी रेप्यूटेड नहीं है, एम्प्लॉय के पास भी जॉब सिक्योरिटी का चांसेस कम है, तो क्यों वो अपना घर परिवार छोड़ के चेन्नई जाएंगे, ठीक है? सो हो सकता है न्यू ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतनी सुटेबल नहीं हो। देन रिडक्शन ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय। ऑफकोर्स इंटरनल रिक्रूटमेंट में क्या हो रहा है, आप उसी बंदे को कॉन्स्टेंटली काम चला रहे हो, उसी बंदे को हायर किया है आपने, वही आगे बढ़ रहा है, वही इतने सालों से काम कर रहा है, तो उसको ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेमिलियर तो है वो, लेकिन उसका जो एंथुसियाज्म होता है वो समय के साथ कम हो जाएगा ना, राइट? जैसे आप जिम जाते हो, फर्स्ट डे जाओगे, सेकंड डे जाओगे, थर्ड डे जाओगे, बड़े एंथुसियास्टिक रहोगे, हाँ, लेकिन अगर आप मान लो 2 साल से जिम जा रहे हो, तब उतना एंथुसियाज्म थोड़ी ना रहेगा अपने अंदर, आपके अंदर, है ना? सो समझ में आया? सो प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉय की बहुत कम हो जाती है, वो प्रोडक्टिविटी शायद आपको फ्रेश टैलेंट में मिल जाती, वो एंथुसियाज्म आपको शायद फ्रेश टैलेंट में मिल जाता। सो आई होप मैं आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इंटरनल रिक्रूटमेंट की इस वीडियो में पढ़ाने में क्लियर हुआ। सो अगर पसंद आ गया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। नहीं पसंद आया तो आराम से पॉज करके इस वीडियो को दोबारा देखो, फिर भी नहीं आए तो कॉमेंट सेक्शन में क्वेरी पोस्ट कर देना, आपको रिजोल्यूशन मिल जाएगा। Thank you so much for watching this video. Stay tuned, stay safe, and do watch my channel every day. Okay?